जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। तो आप यहां हैं और मैंने पूरा घर छान मारा। ये पौधे कितने खुशकिस्मत है ना, इन्हें तुम अपने हाथ से पानी जो पिला रही हो। मेरी तरफ तो देखना ही छोड़ दिया तुमने। सॉरी, किसी दूसरे को बुरा ना लगे इसलिए मैंने अपनी बीवी का ही दिल दुखा दिया। एक कंपटीशन का आइडिया ही बकवास था, है ना? आप मुझे क्या ढूंढ रहे थे? कोई काम था? काम तो है, आपको कुछ देना है। ओ, तो रिश्वत दी जा रही? यही समझ लो, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स हैं। अपने हाथ से खिलाऊंगा, मुंह खोलो। आ आ, आ, आ। नहीं, शरीफ नहीं। क्यों? वो मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन चॉकलेट्स के लिए तो तुम्हारे पेट में हमेशा जगह रहती है, मैं जानता हूँ। नहीं शौर्य, आज नहीं। क्या वर्षा, ऐसा क्यों कर रही हो? क्या होता जा रहा है तुम्हें? प्लीज ये सब रहने दीजिए। अच्छा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग ली है फिर भी तुम नाराज हो। ठीक है, नाराज रहना है तो रहो, मैं भी देख लूंगा। ऐसी बात नहीं है। क्या करूं? बोल राज बना, तने सही लागे तो नंदनी से बात करें। दद्दा जी, मुझे तो ऐसा लगता है ये रिश्ता हमारी बिटिया के लिए बड़ा अच्छा है। फिर डॉक्टर है लड़का, हमें और क्या चाहिए? और दादाजी खुद का नर्सिंग होम है। और सबसे अहम बात तो यह है कि सब कुछ जानते हुए भी नंदिनी उन्हें पसंद है। ऐसे में हमारी ओर से ना हो इसका तो कोई कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? लड़का उम्र में थोड़ा ज्यादा है, कितनी भाभी मां? 42 साल का। काका जी, 42 साल? दद्दा जी, तब तो हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे, उम्र तो हमारी नंदिनी की भी हो रही है। हम सब जानते हैं कैसे कैसे लोग हमारी नंदिनी के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। कोई विधुर है तो कोई अनपढ़। इस रिश्ते में अगर हम लड़के की उम्र पर ना जाए तो इस पे कोई बुराई नहीं है। दद्दा जी, आपकी क्या राय है? अब जब नंदनी की मां इतना कह रही है तो मेल तो बिठाना पड़ेगा ना। वैसे अगर लड़के की उम्र ज्यादा है तो एक तरह से अच्छी बात भी है,
रिश्ता जिम्मेदारी से निभावेगा। और वैसे भी नंदिनी से ब्याह के वास्ते उसने सोच समझ कर यहां की होगी ना जी। और वैसे देखा जाए तो लड़का बहुत अच्छा है, हर गुण है, खानदान भी अच्छा है। हाँ, मेरा तो मन कहता है यही नंदिनी के लायक वर है, बाकी सब भगवान की मर्जी, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो फिर तो मैं कल शंकरी को फोन करके हाँ बोल देती हूँ। क्यों जी? ठीक है, जैसी सबकी मर्जी। दीदी, सब लोग आपको बहुत चाहते हैं, इसीलिए आपका रिश्ता उस डॉक्टर से तय करना चाहते हैं। ये आप भी जानती हैं और मैं भी कि इसमें आपकी खुशी नहीं है। आप एक बार दद्दा जी से कह दीजिए ना दीदी, वो आपकी हर बात का मान रखते हैं। प्लीज दीदी। अक्षरा, दीदी मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। अक्षरा जाओ, तुम्हें नैतिक बुला रहा है। अक्षरा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरा डेटा कार्ड कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। थैंक यू। आपसे एक बात कहनी थी। मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं, दीदी के रिश्ते के बारे में। प्लीज नैतिक, कुछ कीजिए ना। नन्नी दीदी की शादी 42 साल के आदमी के साथ कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या आपको ये सब सही लग रहा है? माना कि ये सही नहीं है अक्षरा, पर घर के सभी बड़ों ने फैसला ले लिया है, अब उस पर हम सवाल तो नहीं खड़ा कर सकते। इसका मतलब तो यही होगा ना कि हमें उनके डिसीजन पे भरोसा नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं दीदी की भलाई के लिए कर रहे हैं। पर नंदिनी दीदी से पूछ तो लेते कि वो क्या चाहती है। कल भाभी माँ ने शंकिताई से रिश्ते के लिए हाँ कह दी तो? ठीक है, मैं कल सुबह ही उनसे बात कर लूँ। हाँ नैतिक, पूजा खत्म होते ही कह दीजिएगा, आपके कहने से बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, अब आप सो जाइए, फिक्र मत कीजिए, जो भी होगा अच्छे के लिए हो। आकांक्षा का कॉलम नहीं, क्यों नहीं लिखा? खैर, उन्हें नहीं लिखना है, उनका डिसीजन, मुझे क्यों फिक्र हो रही, वो जानती है उन्हें क्या करना है। क्या बात है बेटे, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं बाबूजी, अब सुबह सुबह अखबार की हेडलाइंस पढ़ के कौन परेशान नहीं होगा। लीजिए। ओ सो तो है, आ आ बेटे, एक बात तो बताओ बेटे, तुम्हारी माँ और मामी जी ने तुम्हारे लिए जिस लड़की को पसंद किया उसे तुमने मिलने से भी इनकार कर दिया, क्यों बेटे? बाबूजी, दरअसल मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहते? बेटे आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही पड़ेगी।
आप तुम्हारे दोस्तों की बात ले लो, उनकी भी तो शादी हो गई है, वो सब खुश है, तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो? बेटे दरअसल एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। बाबूजी दरअसल माँ की खुशी एक पैसे वाली बहू लाने में है, उनके लिए बहू मतलब धन का पिटारा। मेरी सोच बिल्कुल अलग है, मैं नहीं चाहता कि इन दो नजरियों के बीच एक लड़की खामखा फंस जाए। क्या बात है वर्षा, रात ठीक से सोई नहीं? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। ये शौर्य पता नहीं आया क्यों नहीं अब तक। हमने आपसे बताया था ना, काम बहुत है, शूटिंग सारी रात चलेगी। पता नहीं कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं, पूरी रात जागा होगा बेचारा। लावण्या भी खूब मेहनत कर रही है, थक जाती होगी बेचारी। अरे वर्षा बेटा, तो रूखे ब्रेड क्यों खा रही है और एक ही ब्रेड लिए? हाँ मैं ठीक है। बेटा थोड़ा मक्खन लगा लो। ला मैं अच्छे से लगा कर देती हूँ तुझे। नहीं माँ, वो मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं चाय पी रही हूँ। अच्छा हलवा तो खा। माँ पेट भर गया है मेरा। माँ लगता है वो आ गए, मैं देखती हूँ। चारे के साथ बहुत बुरा हुआ ना? संभाल के। आप उनसे खुलकर कह दीजिएगा कि आपको ये रिश्ता ठीक क्यों नहीं लग रहा है। कह दूंगा, पहले सिचुएशन तो देखने दीजिए। कहीं माँ और भाभी माँ ने शंकिता इसे कहकर सारी बात तय ना कर दी हो। अब माँ को मनाना आपके हाथ में है। छोटी दुल्हन एक बार नंदिनी से पूछ लो क्या? भाभी माँ अभी से उसे बताने का कोई अर्थ नहीं, एक बार देखते हैं शंकरीता ही लड़के वालों की तरफ से क्या संदेश लाती है। हाँ सुबह सुबह किसे फोन लगाया जा रहा है? मुन्ना टोक मत, अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। भाभी माँ शंकरीताई को फोन करके कह रही हैं कि नंदिनी के रिश्ते की बात आगे बढ़े। माँ मुझे आपसे कुछ। मुन्ना तेरे दद्दाजी को इस बात की राहत है कि तुझे भी लड़का पसंद आया। हाँ बेटा बस अब ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, पहली बार हुआ है कि हम सब एक रिश्ते से खुश हैं। माँ आप शंकरीताई को फोन मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मुझे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार नंदिनी दीदी से पूछ लेना चाहिए। नंदिनी दीदी के लिए जो रिश्ता आया है वो उम्र में उनसे काफी बड़े हैं। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, इस रिश्ते को लेकर आप जो भी कदम उठाएं, सोच समझ कर उठाइएगा। और मुझे पूरा यकीन है दीदी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। तुम कहना क्या चाहती हो अक्षरा? हमें नंदिनी की परवाह नहीं? नहीं माँ मेरा वो मतलब नहीं। तो क्या मतलब है तुम्हारा?
हमने आज तक इतने रिश्तों के लिए मना किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नंदिनी की फिक्र है। नंदिनी की मर्जी जाने बिना कभी कोई फैसला ले ही नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है बहू कि हमें अपनी बेटी की चिंता नहीं है? माँ मैं तो बस एक बार पूछने के लिए कह रही हूँ। अक्षरा तुम कह क्या रही हो? तुम्हें क्या लगता है बहू कि हम नंदिनी की मर्जी जाने बिना उसका ब्याह जबरदस्ती किसी से भी करवा देंगे? ये क्या हो रहा है मुन्ना? पहली बात तो बड़ों के बीच में बोलना चाहिए नहीं, लेकिन अगर बोलना इतना ही जरूरी है तो सोच समझ के बोला करो बहू। अक्षरा मैंने आपसे कहा था ना कि सिचुएशन देख के ही बात करेंगे। माँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं क्या करूं? मेरा मन नंदिनी दीदी के इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ भी तय करने से पहले एक बार दीदी की मर्जी जान लीजिए। माँ मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आप लोग मुझसे बड़े हैं, मेरे लिए जो भी करेंगे मेरा भला सोच के करेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप शंकरी ताई को फोन करके हाँ कह दीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।